हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम नाहरगढ़ जाने वाले हैं। कल ही अपन बाइक सर्विस करवा के आ गए थे। मेरा एक फ्रेंड है अंकित मेहरे, मैंने उससे बात करी, उसने भी बोला कि ठीक है मैं भी चलूंगा साथ में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको कहाँ कहाँ घुमाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से जलमहल, जलमहल जाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे जयगढ़, जयगढ़ से होते हुए अपन नाहरगढ़ निकलेंगे और उसके बाद फिर आते वक्त अपन हवा महल और अल्बर्ट हॉल देखते हुए वापस आ जाएंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको जयपुर के मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से काफ़ी सारे प्लेसेस दिखाने वाला हूँ। चलते हैं अंकित मेहरे से मिलने और फिर उसके बाद अपन चलते हैं जलमहल की तरफ। वैसे बात तो सुबह 6 बजे मिलने की हुई थी, लेकिन एज ऑलवेज हम लेट हो जाते हैं, तो आज भी हम लोग 7 बजे के समथिंग मिले। मेहरे थोड़ा दूर रहता है इसलिए उसको आने में थोड़ा टाइम लगा। फिर चाय की थड़ी पे हम लोग मिले, एक एक कप चाय पी और डिसाइड किया कि कौन से रास्ते से जाना है। देन वी डिसाइडेड कि हम लोग जलमहल वाले रास्ते से जाएंगे। चाय पीने के बाद हम लोग जलमहल वाले रास्ते से होते हुए नाहरगढ़ की तरफ निकल पड़े। अंकित की बाइक अभी नई नहीं है, उसके पास इससे पहले FZ ही थी, बट इसने अभी FZ सेल करके R15 ले लिया। ये जो सामने खूबसूरत सी ब्लू बिल्डिंग दिख रही है, ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, जिसको WTP बोलते हैं हम लोग, और ये जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है। WTP से जलमहल पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर नॉर्मल ट्रैफिक मिले तो। सुबह सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, बट अगर दिन में अपन जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि वो सिटी वाला एरिया है पूरा। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकले हैं तो इसलिए इतना टाइम लगा नहीं हम लोगों को पहुंचने में। 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग जलमहल पहुंच गए थे। हाँ तो दोस्तों, चाय वाय का कार्यक्रम हो गया है, अब हम निकल रहे हैं नाहरगढ़ की तरफ। चलो चलते हैं नाहरगढ़ और वहाँ से आपको दिखाते हैं जयपुर का व्यू पूरा ऊपर से। नाहरगढ़ बहुत हाइट पे है तो वहाँ से जयपुर सिटी बहुत क्लासिक दिखती है, और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी तो भाई जो व्यूज़ आने वाले हैं अमेजिंग। चलो निकले फिर नाहरगढ़ की तरफ। चलो दोस्तों चले। मैडम जी बुलेट चला रही है बड़ी, लेकिन मैडम जी को ये नहीं पता कि चलाते कैसे। कोई बात नहीं, सीख जाओगे सीख जाओगे। चाय की चुस्कियों के साथ जलमहल के खूबसूरत नज़ारे के मज़े लेने के बाद हम लोग अब नाहरगढ़ की तरफ निकल गए हैं। यहाँ से नाहरगढ़ का रास्ता भी 10 से 15 मिनट का ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ओहो साला भागता ही है, अरे मारूंगा पकड़ के। ओए 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 ओए, तेरे मालिक को ढंग से गाड़ी चला ले। अच्छा ओए ओ वो क्या है भाई, वो क्या है, क्या है वो 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 साला कुत्ता। आजा आजा, ये देखो जयगढ़ नाहरगढ़ किला, यहाँ से जयगढ़ और नाहरगढ़ की एंट्री स्टार्ट। और ये हम चले, आ जा हीरो आ जा। दोस्तों यहाँ बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता, आपको आके चला के देखना पड़ेगा।
नाहरगढ़ का रास्ता पहाड़ों के बीच में से होकर के जाता है, इसलिए बाइक धीरे धीरे चलानी पड़ती है। सुबह सुबह यहाँ पे मोस्टली बाइकर्स ही आते हैं, ये जगह ही ऐसी है यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। जिस तो वो दिख रहा है आपको वो जयगढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़ का रास्ता यहीं से होकर जाता है, लेकिन अपन को नाहरगढ़ जाना है। जयगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, बिगेस्ट कैनन ऑफ दिस वर्ल्ड इज प्लेस इन जयगढ़ फोर्ट ऑफ जयपुर राजस्थान। लगभग 19 से 20 किलोमीटर की ब्यूटीफुल राइड के बाद हम लोग फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो कि नाहरगढ़ का सनराइज पॉइंट है, जहां से हम पूरे जयपुर को ऊपर से देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर, जाने नहीं देंगे बिकॉज वहाँ पे 9-10 बजे के बाद एंट्री अलाउड होती है, तो लेकिन यहाँ पे फोर्ट के अंदर जाने के लिए कोई नहीं आता, सब यहाँ पे ये व्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं, बस इस व्यू को देखने के लिए दुनिया यहाँ पे आती है सुबह सुबह के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे। सनराइज और सनसेट यहाँ पे बहुत फेमस है, जयपुर में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है हाइट पे घूमने लायक, दिस इज़ द प्लेस। हाँ तो दोस्तों अपन जा रहे हैं दूसरी जगह पे, अंकित नेहरे की बहन है वो मिल गई है इसको, क्योंकि भाई लगे हैं अपनी बहन को घुमाने में इसको भाई को अपनी बहन मिल गई बहुत टाइम बाद, तो ये बोला कि चल यार इसको भी साथ में ले चलते हैं। ये देखो ओ हो, पहले हम 2 जने थे अब हम 5-6 जने हो गए हैं, हम इन लोगों को भी ले आए, चलो आओ साथ में ब्लॉगिंग करेंगे। बस भी कह रहे थोड़ा तस्करी, हाँ दोस्तों ये है नाहरगढ़ का एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, खुला हुआ है। हमें पता ही नहीं चला व्लॉगिंग करते करते 9 बज गई और ये खुल गया, तो अंदर तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, नीचे जाएंगे क्योंकि हमको लेट हो गई है, मेरा जो फ्रेंड है उसको घर पे भी जाना है, तो हम सीधा भी चल रहे हैं नीचे, नीचे चलेंगे थोड़ा बहुत ऐसे घूमेंगे और फिर अपन चलेंगे घर। ज़्यादा टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं रुकेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और थोड़े से गप्पे लड़ाएंगे और फिर उसके बाद अपने अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। चलते हैं घर की तरफ, ओके बाय बाय बाय।
चलो चलेंगे यार। ये हम निकले घर की तरफ। जाते वक्त रास्ते में हवा महल पड़ता है, जो कि जयपुर का मोस्ट विजिटिंग टूरिस्ट प्लेस है और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। हवा महल से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अल्बर्ट हॉल पड़ता है, जो कि जयपुर का म्यूज़ियम है और यहाँ पे फ़ोटोशूट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने भी खींची और फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। हाँ दोस्तों, फाइनली हम अपने घर पहुँच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोज भी आप देख सको। चलो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।